Morning, students. I'm here for the first part of class 9 CBSE from the book First Flight, The Road Not Taken. It is written by Robert Frost. पढ़ने से पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, पोइट के बारे में. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोइट एंड हिज पोएट्रीज ऑलवेज डील्ड विद ह्यूमन सफरिंग्स, प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ सिचुएशंस एंड एक्सपीरियंसेस. इस पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस, डिसीजंस लेते हैं जो कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, छोटे छोटे डिसीजन से लेकर बड़े बड़े डिसीजंस. यहाँ पॉइंट बात कर रहे हैं वैसे डिसीजन जो हमारे लाइफ के इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, अभिन्न है, और उन डिसीजन से हमारा फ्यूचर बन सकता है और बिगड़ भी सकता है. ठीक है, तो ये पोएम में 4 स्टेंजर्स हैं एंड इच स्टेंजर्स हैव 5 लाइन्स. दैट मीन्स ऑल टुगेदर वी आर गोइंग टू स्टडी 20 लाइन्स. इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि डाइवर्स्ड है. डाइवर्स्ड का मतलब होता है सेपरेटेड, मतलब अलग, जो दो दिशा में जा रहा हो. यहाँ पर इस पोएम के अनुसार येलो वुड, अ फॉरेस्ट विथ रॉटन लीव्स या डिकम्पोजिंग लीव्स. ऐसा फॉरेस्ट, जैसे ये ऑटम का सीजन है अकॉर्डिंग टू द पोएम, तो पत्ते झड़ते हैं, झड़ के नीचे गिर रहे हैं, नीचे गिर के पत्ते जो है सड़ जा रहे हैं, येलो वेस हो जा रहे हैं. अंडरग्रोथ का मतलब होता है डेंस, काफ़ी घना. फेयर का मतलब होता है एज गुड एज द अदर वन. फेयर क्लेम का मतलब होता है बेटर ऑप्शन. ग्रासी का मतलब अनयूज्ड. वांटेड वेयर मंथ मतलब हैड नॉट बीन यूज्ड. साई मीन्स डीप ब्रेथ एंड हैंस मीन्स हियर इन द फ्यूचर. Let's read the poem. The roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. अब राइटर जो है अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में रखते हैं, समझ लो कि राइटर अपने आप को एक जंगल में पाते हैं, एक येलो वुड में. और द टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. और उनके सामने दो रास्ते हैं, दो रास्ते जो दो दिशा में जा रहे हैं, एक इधर जा रहे हैं, एक इधर जा रहे हैं. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन अंडरग्रोथ. एंड बी वन ट्रेवलर, एक ट्रेवलर होने के नाते आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. और वो देखते हैं जहाँ तक वो देख सकते हैं, और काफ़ी दूर जाकर घना जंगल है और जाकर जो है बेंट हो जा रहा है. तो जहाँ से बेंट हो रहा है उसके पहले तक राइटर जो है वो पूरे रास्ते को देख पा रहे हैं, दोनों रास्ते को. तो ये फर्स्ट स्टेंजा हो गया. ठीक है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. और पॉइंट जो डिसाइड करते हैं कि दूसरा रास्ता ले. फेयर का मैंने मतलब मैंने बताया एज गुड एज द अदर वन, पहले जैसा दूसरा है. तो राइटर ने दूसरा रास्ता को चुना एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम. और उनको लगा कि शायद ये जो है अच्छा ऑप्शन है, ना जो अच्छा ऑप्शन है, इसलिए वो दूसरा रास्ता चुनते हैं. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. क्यों ये चुने? बिकॉज इट वॉज ग्रासी. ग्रासी का मतलब होता है अनयूज्ड, जो अभी तक यूज़ नहीं हुआ है. वॉन्टेड वेयर, वॉन्टेड वेयर का मतलब यह हैड नॉट बीन यूज्ड, जो जिस पर अभी तक कोई गया नहीं है. रास्ता अगर नहीं गया है तो पता चलता है कि वो काफ़ी हरा भरा है. देखे होगे जिस रास्ते में घास रहती है, अगर लोग उसमें हमेशा आते जाते रहते हैं तो उस जगह का घास जो है वो साफ हो जाता है और एक पगडंडी, एक एली बन जाता है. ठीक है, दो एज फार एज दैट द पासिंग देयर, एज फार एज फॉर दैट द पासिंग देयर. और वहाँ से वो गुजरना चाह रहे हैं. हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. और उनको लग रहा है कि दोनों रास्ता जो एक ही तरह का है. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले. ले मतलब बड़ा होना, दिखना. और उस मॉर्निंग में, जिस मॉर्निंग में वो खड़े हैं उस दो राहे पर जहाँ से उसको एक रास्ता चुनना है, उनको लगता है कि दोनों रास्ते जो है इक्वली ले मतलब एक जैसे हैं, अलाइक हैं. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले देन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे. इन नो लीव्स स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है क्रस्ट, मतलब दबा कुचला हुआ. किसी चीज़ को पत्ता अगर काफ़ी उस पर दब जाता है, कुचल जाता है, तो उसका कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है,
काला हो जाता है, मिट्टी जैसा हो जाता है। तो यही लिखा हुआ, लिफ्ट नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक ओ केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं उसमें कोई जो है लिप्स दबा कुचला नहीं है, एकदम नया रास्ता है जिसमें लोग कभी गए नहीं ऐसा लग रहा है। और पहला रास्ता जो है केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अनदर डे का मतलब होता है कि नेक्स्ट बर्थ, दूसरे जन्म के लिए जो है ये रास्ता रखें। आई येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, येट नोविंग मतलब वो जानते हैं कि रास्ता जो है कहाँ तक, जहाँ तक रास्ता बेंट नहीं होता वहाँ तक वो देख लेते हैं, वो जानते हैं कि जो है किस ओर ये जाता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और उनको शक होता है कि मैं वापस लौट पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। ये हो गया थर्ड स्टेंजर। फोर्थ, माई सेल्फ बी टेलिंग दिस विद अ साई, और ये मान लो कि अपना एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे विद अ साई, मीन्स विद अ डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ के साथ ही अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, एजेस एंड एजेस मतलब काफ़ी लंबे समय तक, हैंस का मतलब यहाँ फ्यूचर बताया गया है। ठीक है, फ्यूचर में पॉइंट वे कह रहे हैं कि हम जो है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दूसरे लोगों के साथ, और उनको बताएंगे कि हमने ये रास्ता क्यों चुना या फिर रास्ते में जाने का हमको एक्सपीरियंस क्या मिला। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, दो रोड जो ड्राइवर्स थे वो बता रहे हैं एक्सपीरियंस अपना बता रहे हैं कि दो रोड जो है दो तरफ से जा रहे थे और हमने उसी को चुना जिसमें कम लोग गए या नहीं गए। क्यों ऐसा किया हमने, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और डिफरेंस बनाने के लिए। इसलिए पॉइंट जो है ये क्लियर मैसेज दे रहा है कि आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं, आप ये मत देखिए कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। आप अपने दिमाग से देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर हैं, आप दो तरह के लोग उसे डिस्कस कर सकते हैं। एक वैसे लोग हैं जो लाइफ में सक्सेस नहीं हुए, और एक ऐसे लोग हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल हो गए। जो सक्सेस नहीं हुए वो आपको अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, गलती बताएंगे क्या गलती उन्होंने किया जो आप उसको नहीं कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, और सक्सेसफुल लोग ये आप बता सकते हैं कि कैसे सक्सेस हुआ जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंटी डिवाइसेस हैं, जैसे कि सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म का मतलब होता है यहाँ पर दो रोड जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो चॉइस को। ठीक है, उसके बाद एनाफोरा, एनाफोरा का मतलब होता है कि वैसा लाइन जो एंड से स्टार्ट हो गए होता है, जैसे कि हम लोग फर्स्ट लाइन के बाद टू थ्री थर्ड सेकेंड थर्ड और फोर्थ लाइन को देखें तो उसके फर्स्ट में एंड एंड लिखा हुआ, तो ये एक एनाफोरा है। एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर इन द कंसेक्यूटिव वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, जैसे वॉन्टेड वेयर डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीटेड है। एजोनेंस का मतलब होता है, ये भी एलिट्रेशन है लेकिन इसमें रिपीट होगा वॉवेल, ये बीच में भी हो सकता है, एजेस एंड एजेस ए ए रिपीटेड है। रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन का मतलब होता है जब जब एक लाइन दोबारा रिपीट हो पॉइंट में किसी भी जगह, जैसे टू रोड डाइवर्ज इन येलो वुड, ये फर्स्ट और एटीनथ लाइन में जो है ये रिपीट किया हुआ है। इंजैपमेंट, इंजैपमेंट क्या होता है, जब एक लाइन व्हेन वन लाइन इज कंटिन्यूस अप टू सेकंड और मोर लाइन, जब एक ही लाइन को दो या तीसरे लाइन में मतलब कंटिन्यू रहता है बिना कोई पंक्चुएशन मार्क्स का, तो उसको बोलते हैं इंजैपमेंट। ठीक है, वॉच कीजिए, देखिए वीडियो, समझिए और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। थैंक यू।